जिंदगी में सोचा नहीं था कभी अपने लिए गाऊंगा। क्या से क्या हो गए देखते देख क्या कर लिया मेरे अपने साथ यार। Let's go. My God, कल शाम से लेके अब तक इतनी सारी चीज हुई है मेरे साथ। मतलब पहली चीज ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा और मैं इतना अजीब दिखूंगा। मैं इस चैनल पे इतनी सारी चीजें कर चुका हूँ, मैं अपनी जिंदगी में इतनी सारी चीजें कर चुका हूँ, बट कभी इतनी अटेंशन नहीं मिली जितनी मुझे लास्ट 12 घंटे में मिली है। My God, कल वीडियो रेंडर लगा के मैं बाहर गया, मैं जिस गली से जा रहा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे बच्चा हो, बे हर बंदा मुझे ऐसी निगाहों से देख रहा है जैसे मैं कोई एलियन हूँ। मैं वापस आ रहा था, एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी और रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ी देख रही थी, बट उसकी निगाह जब मेरे पे गई ना, मुझे साला एमिनम का स्टैंड याद आ गया। अल्लाह यानी गोज इंटरनेशनल ब्रो, तेरे भाई में भी दम है। और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है इस लुक की, मैं किसी भी सीरियस इशू के बारे में बात कर सकता हूँ और कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। अबे मैं अपने आप को सीरियस नहीं ले पा रहा हूँ, लोग कहाँ से लेंगे। और गलती से अगर तुम उन लोगों में सुनो जिन्होंने कल वाली वीडियो में मुझे गालियां दी हैं, तो तुम्हारे लिए आज का ज्ञान, गांडे तोड़ो दिल नहीं, तुम मेरे बालों को लेके उलझे रहो, बट मैं दुनिया की लड़कियों को लेके उलझा पड़ा हूँ। मेरी दोस्त संस्कारी बन गया, मैं संस्कारी बन गया, मेरे साथ संस्कारी लोग रहते हैं। तो ये हेयर स्टाइल देख के वो इतनी जोर से हंसी, इसकी ब्रास शेप दिखने लगी, तो मैंने उसको बोला, अबे तेरी ब्रास शेप दिख रही है। साली पलट कर मुझे बोलती है, तुम भी पहन लो तुम्हारे भी दिखेंगे। मानो या ना मानो मुझे सही सीरियसली लग रहा है मैं लड़की बनता जा रहा हूँ। कान पहले छिदा रखे मैंने, बाल कलर अंब करा लिए, बस ऑपरेशन के पैसे जोड़ रहा हूँ, दूसरी जगह जानी नहीं पड़ेगी ग्लैमर की तलाश में, खुद ही बन जाऊंगा ग्लैमर। ये ले शॉर्ट्स कट, ये ले खोल के दिखाती है मैं तेरे को। कल मेरे घर पे आंटी आई, उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल देखा, मुझे खुद बोलती है, बेटा तुम्हें शादी कर लेनी थी बेटा। बट आंटी मैं कुछ नहीं करता, तभी तो कह रही हूँ बेटा। मतलब क्या है? आई नो घर की है। अपनी जिंदगी में ना ज्यादा चाहत नहीं लड़कियों की, बस इतनी सी चाहत है कि कोई ऐसी आई जिंदगी में जो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले और प्यार से कहे, मैं लकीरें नहीं मिटने दूंगी, ये हाथ नहीं दुखने दूंगी। ओके, कल की वीडियो में एक डायलॉग था जिसमें मैं प्रपोज मार रहा था, तुम लोगों को लगा काफी ओरिजिनल डायलॉग है, नहीं वो ओरिजिनल डायलॉग नहीं है, वो डायलॉग है कल हो ना हो से, जहाँ पे प्रीति जिंटा जा रही होती है और शाहरुख खान बड़े रोमांटिक वे से ब्लैंक डायरी पढ़ के फालतू बातें बोलता है। बस जल्दबाजी के चक्कर में म्यूजिक नहीं डाल पाया ना, और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता। सो ये रहा फ्लैशबैक विद म्यूजिक, और ज्यादा फीलिंग आएगी। मुझे प्रपोज करके दिखाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है काजल, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आई लव यू, आई डू, आई लव यू वेरी वेरी मच। आंखें बंद करता हूं तो तुम दिखती हो, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, हर पल हर घड़ी हर दिन मेरे नैना सिर्फ मेरी काजल ढूंढते हैं और मुझसे कहते हैं, तेरी आँख क्या कायो काजल, मन करे से गोरी बोल। मतलब तुमने कल होना हो देखी है, कल होना हो में अमन अपनी गर्लफ्रेंड सैफ अली खान को दे देता है, और अगर तुम्हें याद है कुछ कुछ होता है, अमन उसमें भी अपनी गर्लफ्रेंड शाहरुख खान को दे देता है। इसका मतलब समझे दया, हमारी जिंदगी में अमन की तलाश है, अमन ढूंढो बे, अमन ढूंढो, तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, अमन खुद दे जाएगा, कलयुग का दानवीर करण है। और ऐसा नहीं मुझे प्यार नहीं हुआ, प्यार हुआ था बे, उसके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया है, वो तो बाद में एहसास हुआ घड़ी खराब हो गई है, बैटरी चेंज करी और घड़ी चल गई। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Leave a like. 100 के करने हैं। अमेरिका से ट्रंप, आप ही की बार ट्रंप सरकार, गो गो गोन से सैफली खान, और एमिनम की तरफ से स्टैन, बिगेस्ट फैन, दिस इज स्टैन। ओके, मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करता, बट मेरे पास आज को टॉपिक ने कवर करने के लिए, प्लस इससे अच्छा क्लिकबेट मुझे आज के दिन में नहीं मिलता। तो जब मैंने ढेर के लिए पूछा था, तब तक प्रसाद भाई अपनी वीडियो डाल चुके थे और तुम में से बहुत सारे लोगों ने यूआईसी चैलेंज के लिए भी बोला था, मैंने फिर भी पैक नहीं किया। और कल जब मैंने आईडी किया उसके बाद भी तुम में से बहुत सारे लोगों ने बोला अब यूआईसी चैलेंज कर ले, मैंने फिर भी नहीं करने वाला हूं अभी के लिए। एज एन क्रिएटर हम जब वीडियो बनाते हैं हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इस बारे में वीडियो बनानी है, और जब वो वीडियो लोग देखते हैं ना उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं अच्छी बात बोलूंगा तो कुछ लोग होंगे जिनको वो बात बुरी लग जाती है, और मैं बुरी बात बोलूंगा तो कुछ लोग होंगे जिनको वो बात भी अच्छी लग जाती है। कोई सही गलत नहीं होता, सब मोरालिटी का क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल 497 ज्यादा
ज्यादा लोग बोलेंगे तो मैं 497 भी कवर कर लूंगा, बाकी मेरा मन नहीं है करने का। बट अगर तुमने वो वीडियो ढंग से देखी है यूआईसी की, तो उसमें भाई ने सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश करी है। So yeah, the simple and straight message here is do whatever that makes you happy. वो चीजें करो जो तुम्हें खुश करती हो, जरूरी नहीं तुम्हें गंजा होना है। नहीं, डेफिनेटली मैं भी गंजा होने वाला हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा दिन ये रख नहीं सकता। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जब मैं बच्चा था ना, मैं बड़े बाल रखना चाहता था और सर पे बाल भी थे उस टाइम पे मेरे, बट स्कूल वाले मॉम डैड किसी ने परमिशन नहीं दी बड़े बालों की। यार अभी स्कूल वालों को प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, बट सर पे बाल ही नहीं मेरे, अबे बड़े बाल कहाँ से रखूं। मैं बचपन से बाल कलर कराना चाहता था बट कोई परमिशन ही नहीं देता था यार। ऑफिस में क्या, ऑफिस वालों ने परमिशन नहीं दी, ऑफिस में बड़े बाल लेके तुम जा नहीं सकते, अबे कहाँ जाऊं मैं। मेरे बचपन के सपने ऐसे टूटे जैसे बंदी ने घर पे बुला के कह दिया मुझे नींद आ रही है, गेट द फक आउट ऑफ हियर। अबे ऐसी केयर वीडियो कौन करता है। तो पॉइंट ये नहीं कि बाल कलर कराए हैं अजीब लग रहा है, और लिटरली जहां पे भी मैं जा रहा हूँ लोग मुझे देख रहे हैं। बेसिकली इट्स समथिंग जो तुम करना चाहते हो। अभी कल वाली वीडियो में बहुत लोगों ने मुझे गालियां दी कि तू बहुत अजीब लग रहा है, मैं खुद को अजीब लग रहा हूँ। अगर तुमने लास्ट का पोर्शन देखा जहां पे मैं आउट्रो दे रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वियर्ड फील कर रहा था, नर्वस फील कर रहा था, ऑकवर्ड फील कर रहा था अपने आप को देख के कैमरे पे, बट अभी मेरे को धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है और शायद मैं स्टाइल को रख लूं लंबे समय के लिए। मजाक कर रहा हूं, जल्दी हटेगा, टेंशन ना लो, मैं आईने में खुद को देख नहीं पा रहा हूं। बट अगेन होता है ना, कुछ नई चीज होती है, तुम डरे होते हो कि ट्राई करना है कि नहीं करना, तो बस वही वाला सीन है। मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ इस चीज को, शायद मैं रखूँ शायद नहीं रखूँ, पता नहीं। और रही बात यूआईसी चैलेंज, मैं बचपन से गंजा रहा हूँ यार, मेरा मतलब बेसिक हेयर स्टाइल जो है ना वो गंजेपन का ही है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल होता है। गंजे को गंजा बोले फैक्ट, बाल वाले को गंजा बोले गलत बात है। मेरे तो बचपन से बाल कम है, मैंने YouTube शुरू किया था तब मैं गंजा था, मेरे Instagram देखोगे उसमें कई पोस्ट है जिसमें मैं गंजा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गंजा रहता था। बट अगेन जब मैंने YouTube शुरू किया, तुम में तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बाल मत कटा, तो फिर मैं बाल रखने लग गया, वरना मैं बाल रखता नहीं हूँ कभी भी। मैं ऑफिस में था तो मैं गंजा रहता था आधे से ज्यादा टाइम, मैं स्कूल में था तो मैं आधे से ज्यादा टाइम गंजा रहता था, क्योंकि फिर टीचर बड़े खुश होते थे, वाओ अभिषेक से सीखो। मतलब पढ़ाई के लिए तो तारीफ मिलती रही थी, तो एक जगह जहाँ तारीफ मिल सकती वो तो ले लूँ। द होल पॉइंट ऑफ दैट वीडियो एंड इवन दिस वीडियो इज लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, चलता रहता है बे, जो करना है कर दो। मैं अभी बाहर निकलने में थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ, क्योंकि मैं कल से लेके अभी तक दो बार बाहर गया हूँ, बट जिस गली से भी गया हूँ सारे लोग मुझे देख रहे हैं। थोड़ा ऑड लगता है बट इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि अटेंशन मिल रही है मुझे, और दिल से आ जाए कितना चूतिया आदमी जिंदगी खत्म है साले की, मेरे पे ध्यान दे रहा है। बट अगेन मेरा सवाल तुम लोगों से, तुम लोग क्या चाहते हो, क्योंकि जनता जनार्दन है हमारी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो अगर तुम बोलोगे रखने मैं रखूंगा, तुम बोलोगे हटाने मैं हटा देगा। यह बॉय आई लव यू गाइस, प्लीज लाइक प्लीज सब्सक्राइब 100 के करने यार। Basically, bro scene is about doing something that you believe in, something you like, something you love, bro. We do whatever you want to do. Do whatever you want to do. And also get your merch, meowgeddy.com/shop, link in description, bro. Do yourself a favor, kuch design wapis aaye hain, go check that out, man. And just in case tum plan kar rahe ho kuch bhi buy karne ka Flipkart ya Amazon se, jo link description mein usi use karo, that will support me, these videos and this channel. And also that will help me to get a new camera. Aur Sunday raat 10 baje hum log karenge live stream is चैनल पे, तो अगर तुम्हारे पास लाइव स्ट्रीम के लिए कोई आइडिया है, फील फ्री टू लेट मी नो। कल पक्का लाइव स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से हमने चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं किया। और इस वीडियो में यही पॉइंट होगा, ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन जा रहा है इस बंदे को, क्योंकि कल वाले बंदे का नाम मैंने गलत बोल दिया था। अबे भाई हेयर स्टाइल देखी थी तूने, अबे चेहरे का एक्सप्रेशन दे, मेरे होश उड़े पड़े थे अपने आप को देख के, नाम कहां से सही बोलता, समझा करो बे, बच्चे की जान लोगे क्या। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन वीडियो में, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, और क्या पता अगली वीडियो में तुम्हारा नाम हो। और गलती से अगर तुम उन लोगों में से जो शेयर नहीं करने वाले, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, क्योंकि अभी के लिए इतना काफी। आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट। लेट्स गो। सुप्रीम कोर्ट ने 497 हटा दिया, और तुम में से कुछ लोग चाहते हैं मुझे बारे में बात करूं, बट मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इट्स ऑल अबाउट मोरालिटी, और बेसिकली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे लेते हो। मैं एक ऐसी चीज में कभी नहीं घुसना चाहता जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन रखते हैं, आई एम गुड विद इट, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से जिनको प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें समझा देता हूं। अबे टेंशन क्यों ले रहे हो बे, कहीं नहीं जा रही तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बंदी, ना 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 ना, अबे दुनिया में मेरे जैसे लोग भरे पड़े हैं, तुम्हें लगता है तुम्हें छोड़ के बंदी मेरे पास नहीं ना। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं ना, टिकटॉक से सीखो बे, हमेशा याद रखना तुम हीरो हो, तुम्हें छोड़ के किसके पास जाएगी, किसके पास, तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी। और गलती से अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वाली तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना, उसे ये वाली क्लिप दिखाओ बे, तुझे भर लूं अपनी आंखों में, आंखों को मैं खोलूं ना, खोलूं अपनी बात, खुद उसे एहसास हो जाएगा, भूला बनने की जरूरत नहीं कि सुबह भूले शाम को वापस आके तो भूला नहीं कहते, ना 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 ना।
मानो या ना मानो मैं 497 के साथ भी खुश हूँ और मैं 377 के साथ भी खुश हूँ, क्योंकि एटलीस्ट कुछ लोग खुश है, स्पेशली टिकटॉक वाले। मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट एक बात बताओ, कभी तुमने पहले देखा था इतने सारे लोग 377 से पहले एक साथ आके कुछ कर रहे हो? इंडिया में लॉन्डो का आईक्यू इतना ज्यादा रखा है ना, इतना ज्यादा कि तुम सच में आइंस्टाइन भी हो। व्हाट, यू डोंट बिलीव मी? एग्जांपल के तौर पे ये लो, एक कुतिया के दो बच्चे हैं, एक का नाम है अपुन, एक का नाम है सपुन। अगर सपुन मर गया तो कुतिया का दूध कौन पिएगा? अपुन अपुन अपुन, अपुन। दुनिया में केवल तीन तरीके के लोग होते हैं, खुश रहने वाले, बहुत खुश रहने वाले, और फिर आते हैं वो जिन्होंने ज्ञानी 2.0 सब्सक्राइब किया होता है। स्मैक द सब्सक्राइब बटन ब्रो, 1 लाख करने हैं, बाल भी कलर करा दिए, और जब से कराए ना तब से दिल में सिर्फ एक ही विचार आ रखा है, अब इससे ऊपर कैसे जाऊंगा? हाउ आई एम गोना टॉप दिस टैटू? अबे मजाक भी नहीं कर रहा, मैं जिंदगी के उस स्टेज पर हूं ना जहां पर अगर मेरा पर्स खो जाए तो जिस बंदे को मिलेगा ना उस बंदे को दुख होगा। कॉल आ रहा है, मैं बता रहा हूँ वोडाफोन वालों, तुम्हारी माँ चोद दूंगा। अबे मैं वोडाफोन यूज भी नहीं करता, मैंने वोडाफोन से एयरटेल स्विच कर दिया, फिर भी मुझे वोडाफोन वाले कॉल करते हैं, रिंगटोन ले लो। अबे पागल हो क्या? I don't need your endorsement, I don't need reinforcement, giving you your last warning, cause I'm at my prime. बोनस ज्ञान, नींद और हवस कभी पूरी नहीं होती ब्रो।